फैमिली वेलकम टू मैड मेडिकल्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पोरिंगा हिल्स, जो कि एक छोटा सा हिल है, लेकिन ये बहुत फेमस है। यहाँ से बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए, बोलते हैं कि बहुत अच्छा फील होता है। तो आज हम भी जाके देखेंगे कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये है हमारे नल्ले निठल्ले सारे दोस्त, और ये है हमारा साथी यूट्यूबर। तो ये हमारा आखिरी मेंबर है जो अभी इसका एंट्री हुआ है। तो शुरू हो चुका है हमारा सफर। अभी हम आए हैं पेट्रोल पंप पे थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवाने, क्योंकि जो ड्राइवर का गाड़ी है वो बिना पेट्रोल के चलता नहीं है। साला कोई भी गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती। तो हम अपना डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, थोड़ी दूर है लेकिन पता नहीं अब कैसे जाएंगे। तो पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वही है हमारा डेस्टिनेशन, लेकिन हमने रास्ता गलत चुन लिया है, इसलिए हमको मतलब अभी इधर रुकना पड़ा। तो हम वहाँ घूम के जाएंगे कुछ देर बाद लेके जाएंगे हम। तो ये है हमारा लोकल एफिल टावर, एक नहीं बहुत सारा है। पेरिस तो साला यूँ ही बदनाम है। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं सही रास्ते में, होपफुली इस बार हम जा पहुंचेंगे। इस बार भी नहीं मिला पोरंगा। हाँ, या तो चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तो जब आप गूगल मैप्स को ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं तो यही हाल होता है। पहाड़ बताकर हमें खेत में ले गए, तो अब हम अपनी राह खुद चुनेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारा डेस्टिनेशन। लेट्स डू दिस। बहुत दिन बाद हम कहीं घूमने आए हैं लॉकडाउन के चक्कर में। तो अभी हम और ऊपर उठ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो ये हमारा पहला एपिसोड है मैन वर्सेस वाइल्ड का, लोकल मैन वर्सेस वाइल्ड का। यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर है। तो अभी और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या है। चारों तरफ पानी ही पानी। अभी हम एकदम से टॉप पे है और यहाँ पर सारे लोग चिल करते हुए। ये है मेरा दोस्त और होस्ट डॉक्टर शाहिद जमान। वो जो दिख रहा है एफिल टावर जैसा, वो है इलेक्ट्रिसिटी का वायर, और वहाँ के उस पार है हमारा जो नेशनल हाईवे 37, और वहाँ के जो उस पार जो पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, वो है मेघालय का पहाड़। वो हमारा छोटा हिमालय है, हमारा छोटा हिमालय। और बाबू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले जो हम आए थे उस साइड से आए थे, लेकिन वहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं कि पानी है और रास्ता भी नहीं है, इसलिए हमको पूरा 18 किलोमीटर घूम के इस तरफ से आना पड़ा। तो कोई अगर नया लोग यहाँ पर आता है तो ऑब्वियसली लोकल पीपल और आसपास के लोगों को पूछ के ही आए, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो थोड़ा उल्टा सीधा है, आप कभी भी भटक सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जंगली फ्रूट है, हमको भी नहीं पता ये क्या है। देखते ही ऐसा लग रहा है कि पूरा खा दो, लेकिन खा नहीं सकते। तो ये जंगली फ्रूट है, आप लोग खाइए, दो दिन में पागल हो जाएंगे। एक
ये ब्रेक 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 आईसो। तो बहुत गर्मी लग चुका है और अभी हम जा रहे हैं रिटर्न। तो बाबू से पूछते हैं कैसा लगा ट्रिप। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। हमारे ड्राइवर से पूछते हैं कैसा लगा। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा है। ऑलराइट।